वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। कांग्रेस फंसी बीच मझधार, राहुल हुए फरार। घर में लगी आग, राहुल चले वायनाड। मैदान छोड़ भागे कांग्रेस के राजकुमार। सिद्धू कैप्टन की लड़ाई में फंस गए राहुल। अपने घर में आग लगी हो तो पानी का इंतजाम खुद करना पड़ता है, अपने घर में लड़ाई चल रही हो तो सुलझाना भी खुद पड़ता है, पर इन जनाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निकल पड़े हैं अपनी मस्ती में उत्तर भारत की राजनीति को बीच मझधार छोड़, सारी लड़ाइयों को एक तरफ छोड़ केरल की जनता से मिलने। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ सिद्धू ने डोज दे दिया है तो दूसरी तरफ कैप्टन का बगावती सुर है, तीसरी तरफ चन्नी के तेवर ऐसे हैं कि नया मोर्चा पंजाब में खुल जाए, यानी रायता चारों तरफ फैला है। और इस रायते को समेटने की जगह कांग्रेस के राजकुमार निकल चुके हैं दक्षिण भारत की तरफ। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर निकल गए। यहां वे कोझिकोड मलमपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कालीकट हवाई अड्डा करीपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे देने के बाद सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सिद्धू के बाद पंजाब के कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राहुल गांधी का केरल निकल जाना चौंकाने वाला है। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते थे। कमाल है कि पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच आप राज्य में धांसू एंट्री का प्लान बना रही है। अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिन के दौरे पर होंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो पंजाब में पार्टी के सीएम कैंडिडेट का नाम उजागर कर सकते हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ और घोषणाएं भी कर सकते हैं और इस समय में राहुल गांधी केरल पहुंच गए। ऐसे में जो सवाल आलाकमान पर उठते रहे हैं वो अब सही साबित होते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने कही थी वो भी सच साबित हो रही है और लोग भी पूछ रहे हैं कि इतनी अपरिपक्वता के बाद कोई कांग्रेस पर कैसे भरोसा करे और आखिर कांग्रेस कोई बोल्ड फैसले क्यों नहीं ले पाती। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला